कैसे होगा? हाँ जी, मैं दिख भी रही हूँ। सॉरी यूथ आइकन के लिए किया गया है एंड आई होप कि मैं यूथ आइकन हूँ, होपफुली। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं मुझे दे लुक, मतलब मेरा कंटेंट देखते हैं, इंस्पायर होते हैं मुझसे, तो शायद यूथ आइकन में हो सकती हूँ, बाकी लेट्स सी। ओके, यूथ आइकन है तो आपको क्या लगता है आप में अच्छी अच्छी क्वालिटी है, दो बेस्ट क्वालिटी अगर आप बता सकें? दो बेस्ट क्वालिटी, पहली बेस्ट क्वालिटी मेरे में ये है जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहती ये, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मोमिया मिट्ठू नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एक साथ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह कंटेंट डालना है तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट, हर जगह मैं अच्छे से कंटेंट डाल देती हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कल भी रात में, रात को 4 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, तो राइट, एक ये चीज़ है कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ, और दूसरी चीज़ जो लोग ही बोलते हैं मेरे बारे में, आई डोंट से इट दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, जिससे मैं बोलती हूँ, मिलती हूँ, मुझे ये बोलते हैं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। मैंने क्या तैयारी करनी है, मतलब मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करके दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ, लेट्स सी मिल जाए मुझे अवार्ड और क्या। ये होली आने वाली है, कल रात को ही हमने शूट किया है होली का वीडियो, और आज आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 बजे, तो और होली का बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने शूट किया है। मैं होली के लिए मतलब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, होली के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ। हमारा सॉन्ग भी आने वाला है शायद, अगर होली के शायद वो थोड़ी बाद आए, आई एम नॉट श्योर, पहले भी आ सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, पहले खाता गिर गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हेयर, और जो कैटेगरी है जिसमें मुझे नॉमिनेट किया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्या
सबसे पहले अवार्ड का सुनकर क्या ख्याल में आता है? जितने भी पहले अवार्ड्स मुझे मिले हैं, जितने भी अवार्ड फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं, वो सब का फ्लैशबैक आता है मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो. एंड हर अवार्ड फंक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, भले ही मैं उसको सिर्फ अटेंड कर रही हूँ या उसमें अवार्ड रिसीव कर रही हूँ. सो या ओ ये साल का तो 3 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला है. तो इट्स जस्ट टाइम इज़ फ्लाइंग लाइक एवरी ईयर. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर अवार्ड फंक्शंस एंड मोर इंटरेक्शन विद यू गाइस दिस ईयर. थैंक यू वेरी मच. Yeah.